हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। फ्रेंड्स, अगर एक कोर्स में एडमिशन लेकर उस कोर्स से आपको दो सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? स्वाभाविक सी बात है, हर किसी को ये बहुत ही अच्छा लगेगा और हर कोई इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल इसी तरह का मौका आईटीआई कोर्स में स्टूडेंट के पास होता है, जहां पर आईटीआई कोर्स में 10वीं पास करके एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो तो मिलता ही है, साथ में उनके पास 12वीं कक्षा यानी इंटरमीडिएट की समकक्षता हासिल करने का भी मौका होता है। वो आईटीआई के साथ 12वीं कक्षा भी पास करके उसका प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। 12वीं का ये प्रमाण पत्र स्टूडेंट कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, इससे स्टूडेंट को आखिर क्या फायदे होते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको देखने के बाद कोई भी आईटीआई स्टूडेंट अपनी आईटीआई के साथ 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर पाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आईटीआई में दो प्रकार की अवधि वाली ट्रेड्स होती हैं। पहली वो ट्रेड्स जिनकी जो अवधि है वो एक वर्ष की होती है, दूसरी वो वाली ट्रेड्स जिनकी जो अवधि है वो दो वर्ष की होती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आईटीआई के साथ 12th का प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास करने के बाद 2 साल की अवधि वाली ट्रेड में ही एडमिशन लेना होगा, क्योंकि 10वीं पास होने के बाद 2 वर्षीय ट्रेड से आईटीआई करने के बाद ही स्टूडेंट को 12वीं का प्रमाण पत्र मिलता है। 1 साल की अवधि वाली ट्रेड से आईटीआई करने पर 12वीं की समकक्षता आप हासिल नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको आईटीआई करने के लिए 10वीं पास होने के बाद 2 वर्षीय ट्रेड में ही एडमिशन करवाना है। आगे बात करते हैं, 2 वर्षीय आईटीआई कोर्स के फर्स्ट ईयर को पास कर लेने के बाद स्टूडेंट को हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम अलग से पास करना जरूरी होता है। इन सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो कैसे होता है और इसके लिए आपको कहां अप्लाई करना पड़ता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, हिंदी और अंग्रेजी की जो ये परीक्षा होती है वो आपके राज्य के जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं उन्हीं के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान ओपन स्कूलिंग जयपुर, यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, वो बिहार में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ये परीक्षा आईटीआई स्टूडेंट के लिए आयोजित करवाई जाती है। इसके अलावा NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा भी आईटीआई के साथ 12वीं की समकक्षता हासिल करने के लिए हिंदी और इंग्लिश विषय की ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। आगे बात करते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश का जो ये एग्जाम है ये किस प्रकार से देना होगा, आपको इसके लिए कहां पर आवेदन करना होगा और कहां पर आपकी परीक्षा होगी, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आपको इसका फॉर्म भरने के लिए मात्र अपने घर के पास स्थित किसी भी बड़े सरकारी विद्यालय जो कि स्कूली बोर्ड्स के नोडल सेंटर होते हैं, जहां पर स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वहां पर इसके लिए संपर्क करना होगा। वहीं से आप इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम फॉर्म भरकर एग्जाम दे पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी जो आईटीआई है इसका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है इसकी एक कॉपी, 10th की मार्कशीट की एक कॉपी यानी जेरोक्स, आधार कार्ड की एक जेरोक्स और पासपोर्ट साइज के फोटो उस सेंटर पर लेकर जाना है, उस विद्यालय में लेकर जाना है और वहीं पर आपका फॉर्म आवश्यक शुल्क जमा करके भरवा दिया जाएगा। इस आवेदन के लिए यानी हिंदी और इंग्लिश के पेपर के लिए एक छोटा सा शुल्क होता है जो कि आपको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लगभग 4 से 5 महीने के भीतर आपका हिंदी और इंग्लिश का ये एग्जाम है ये हो जाता है और कुछ समय बाद इसका रिजल्ट जारी हो जाता है। उसके बाद
जब भी आप अपनी ITI कोर्स का सेकेंड ईयर भी पास कर लेंगे तो आपकी ITI के साथ आपको 12th की समकक्षता भी हासिल हो जाएगी। ये समकक्षता आपको साइंस स्ट्रीम की मिलेगी, यानी आप जो 12वीं पास माने जाएंगे वो विज्ञान वर्ग से माने जाएंगे। 12वीं के सर्टिफिकेट के लिए आपको जहां से आपने हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम फॉर्म भरा था उसी विद्यालय उसी सेंटर पर आपको जाकर ITI के दोनों ईयर वाली कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगाकर आवेदन करना होता है। इसी के बाद आपका 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो बोर्ड से जारी होता है। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर आप 12वीं की समकक्षता का सर्टिफिकेट नहीं भी मंगवाते हैं तो भी ITI की जो ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है और आपकी हिंदी या इंग्लिश की जो मार्कशीट है जिसका एग्जाम आपने पास किया है, इन दोनों का उपयोग कर इन दोनों को साथ में लगा कर भी आप आगे किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये नियम सबसे पहले 2016 में लागू किया गया था। इससे पहले 10वीं पास करके जो स्टूडेंट ITI किया करते थे उन्हें ITI होने के बाद में 12वीं कक्षा अलग से पढ़ाई करके वो परीक्षा देकर पास करनी पड़ती थी, लेकिन इस नियम के लागू हो जाने के बाद स्टूडेंट को 12th अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रही है। इससे स्टूडेंट के 2 सालों की भी बचत हुई है, जो कि उसे पूर्व में 2 साल अलग से स्कूल में 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए देने पड़ते थे। साथ ही 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए जो स्कूल की फीस लगा करती थी, इन दोनों ही चीज़ों की उसे अब बचत हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये नियम स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ITI के साथ 12th पास करने के लिए देश के हर राज्य में नियमों में कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊं कि अगर आप बिहार में इस नियम की अगर हम बात करें तो बिहार में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट का एग्जाम स्टूडेंट को पास करना जरूरी होता है। वहीं राजस्थान में 12वीं की समकक्षता हासिल करने के लिए ITI के साथ आपको केवल इंग्लिश का ही एग्जाम देना होता है और UP में इसके लिए केवल हिंदी की परीक्षा पास करके स्टूडेंट ITI के साथ 12वीं की समकक्षता हासिल कर सकता है। वैसे इसकी जानकारी आप अपने ITI इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके स्टेट में ITI के साथ 12th पास करने के लिए जो रूल है उस पर भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो की जो जानकारी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी तरह की ITI से जुड़ी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।